मोहन लगाकर इतने बोल टिप्पण यादव जी के साहित्य लगाकर इतने बोल टिप्पण यादव जी के खाते में डाल देना, ये देश में सार्वासी बोर्ड से जीतने वाली कन्नौज की सांसद का जब कोई चर्चा हो देश के सांसदों में चर्चा हो कह रहे हैं कि महामिलावट का गठबंधन है।
भाषणों में अब कभी अच्छे दिन की बात आ रही है क्या? कोई अच्छे दिन नहीं आ रहे, बताओ कहाँ पर है अच्छे दिन? और अगर अच्छे दिन नहीं है तो एक्सप्रेस वे से हम पहुंच जाएंगे और देख लेंगे अच्छे दिन कहाँ है, बताओ हमें अच्छे दिन कहाँ। और वो 2 करोड़ की नौकरियां जो नौजवान भाइयों, 2 करोड़ की नौकरियां कहां है? साल भर की 2 करोड़। और जब नौकरी और रोजगार की बात पूछी उनसे तो उन्होंने कहा नौकरी करने की जरूरत है, जाओ पकौड़े बना दो, रोजगार अपने आप हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक कहना चाहते हैं, किसकी फोटो चाहिए? पकौड़े सरसों के तेल के अच्छे बनते हैं, कोई दूसरे तेल में अच्छे नहीं बनते, वो विदेशी तेल में अच्छे नहीं बनते। सभी सोचो हमारे ये पढ़े लिखे भी खड़े सामने, पढ़े दीपू बताओ पकौड़े सर्वे तेल के अच्छे होते हैं विदेशी तेल के? भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी खाने का तेल मंगा रहे हैं और इतना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो कम पैदा करते हैं सरसों, बताओ सरसों की किसानों उठी करके सरकार दे पाई हो तो बता दो, इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि विदेशी तेल मंगा रहे हैं। और साल हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी आय हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों धान की कौन सी आय आपको मिल गई? लागत का भी मूल्य नहीं मिला और कहते थे देवगुना मुनाफा देंगे, आय दोगुनी कर देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बताओ आय दोगुनी कहाँ हो जाएगी, कैसे होगी बताइए? आजादी करने सेवा कल से शुरू करेंगे अपने बनाओ से अपनी माताओं में बिना दूध के अच्छी चाय कैसे बन जाएगी बताए हमें कोई।
राज। आपको चाय वाले के बहाने और याद रखना, इतना झूठ बोलने वाली पार्टी कोई भी हो सकती जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। ये हमारे आपके प्रधानमंत्री नहीं है, जो देश की 1% की आबादी है, ये जो देश की 1% आबादी है उसके प्रधानमंत्री हैं, हमारे आपके प्रधानमंत्री नहीं है। आपके हमारे प्रधानमंत्री हैं क्या? वो 1% जो लोग हैं अमीर, उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं। और क्या आपको भूल जाओगे वो समय जब नोटबंदी हुई थी? दुनिया भूल सकती है नोटबंदी, देश के लोग हो सकता है याद ना रखते हो, लेकिन रसूलाबाद के लोग नहीं भूल सकते नोटबंदी। अगर सबसे बड़ी पहचान और यादगार किसी को मिली है तो रसूलाबाद को मिली है नोटबंदी के जमाने में। वैसे तो लोग लाइन में लगे लगे मर गए थे, बहुत सारे गरीब जो पैसा नहीं है घबरा रहे, लेकिन एक बच्चे ने जन्म लिया था वो रसूलाबाद का था। जब पैसा निकालने गई थी माँ, जब माँ पैसे निकालने गई तो बच्चों बैंक में पैदा हुआ बच्चा तो नहीं हुआ, उस बच्चे का नाम बैंक ने और हम लोगों ने खजानची रख दिया। ये निशानी किसी के पास नहीं है, केवल रसूलाबाद के पास है। कहीं ऐसा होता है कि रुपया बना बंद कर दिया जाता हो तो जो पैसा आपका जमा हुआ था। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।